किसी ने क्या खूब कहा है कि लड़कियां हमेशा सही होती हैं जब तक गलत साबित नहीं हो जाती, और लड़के हमेशा गलत होते हैं जब तक सही साबित नहीं हो जाते। ये वीडियो पूरी देखिएगा बॉयज़ लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम के बारे में, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपने मिस कर दी, जो मैंने भी मिस कर दी, और जो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कुछ लोग जलील हो रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, मेन मुद्दे पर आने से पहले कुछ अपडेट देना चाहता हूँ पुराने टॉपिक पर कि बॉयज़ लॉकर रूम वाला जो मुद्दा वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, उस पर सारे लड़कों को ट्रैक तो कर लिया गया है, साइबर सेल ने कर लिया ट्रैक, अरेस्ट किया कि नहीं अभी पता नहीं है, क्योंकि अरेस्ट करने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस फर्जी मामला उछल रहा है तो शायद पकड़ भी ले। अब लोग सोच रहे हो कि मैं अपना स्टैंड बदल क्यों रहा हूँ, मैं अपना स्टैंड बदल नहीं रहा हूँ। मेरा स्टैंड और आपका स्टैंड सिर्फ इतना होना चाहिए लॉजिक के बेसिस पे कि क्या बॉयज़ लॉकर रूम में जब ऐसी बातें होती हैं तो गर्ल्स लॉकर रूम में नहीं होती होंगी। उसकी भी कई फ़ोटोज़ वायरल हुई हैं। फ़र्क इतना है कि बॉयज़ लॉकर रूम में लड़कों ने लड़कियों की फ़ोटोज़ इन्वॉल्व किया, उन पर कमेंटबाजी की, ठीक, और एक स्नैपचैट की अभी तक वेरीफाइड, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि क्विंट ने जो मेंशन किया है कि वायरल स्नैपचैट का चैट है ये अभी तक अच्छे से वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन स्नैपचैट के वायरल टेक्स्ट मैसेज को आपने कंपेयर कर लिया इंस्टाग्राम के बॉयज़ लॉकर रूम से कि ये बातें वहाँ होती हैं। समझ में आ रहा है, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट दो अलग अलग प्लेटफॉर्म, तो आपने कंपेयर कर लिया कि ये वहाँ हो रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको लगा होगा कि मैंने क्यों पिछली वीडियो में ये सब नहीं बताया, वो सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू था, इसमें आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, मुझे बाद में खुद स्ट्राइक किया। तो स्नैपचैट पे कुछ हो रहा है, इंस्टाग्राम पे कुछ हो रहा है, और स्नैपचैट वाला अलग कोई बंदा है या कुछ दो अलग लोग हैं उनको पकड़ो सिर्फ स्पेसिफिकली। इंस्टाग्राम वाले इसलिए फंस गए क्योंकि इनका वायरल हो गया स्क्रीनशॉट, इन लोगों ने लड़कियों की फ़ोटोज़ निकाली या जो भी शेयर की एक दूसरे से, उनके ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर कमेंटबाजी हो, जो भी मजाक की करना, वो भी गलत था। लेकिन क्या गर्ल्स लॉकर रूम में ऐसी बातें नहीं होती होंगी? आप सोच के देखिए, उनकी भी कुछ तस्वीरें, कुछ चीज़ें वायरल हुई हैं। मैं वो नहीं दिखाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता, मैं दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन आपको दूसरा पहलू भी हमेशा देखना चाहिए, एक सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। मैं अगर फिर अगर ये बोलूँ, लोग मुझे फिर कुछ गलत बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन सबको ये पता है कि दिल्ली की इमेज लड़कियों के बारे में भी ठीक नहीं है। लोग हमेशा कहते हैं कि अरे दिल्ली की लड़की है तो ऐसी ही होगी। मैंने बोला कि परसेप्शन बनाना सही है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन उसी तरीके से स्नैपचैट वाले मामले को, स्नैपचैट वाले लोगों को इंस्टाग्राम वाले लड़कों से कंपेयर करके उनको गलत साबित करना भी गलत था। तो लड़कों के साथ अगर कुछ होता है तो अपने आप सबका फेमिनिज्म जाग जाता है, सबका सबकी मेच्योरिटी जाग जाती है, सारे अंकल लोग, सारे पुलिस वाले, सारे सब शुरू हो जाते हैं कि नहीं हमें इसको धरना है, ये लोग समाज के लिए धब्बा है। लेकिन हो सकता है कि किसी लड़की ने अपने ईगो में आके, क्योंकि जिस लड़की ने वायरल किया है उसको कहाँ से मिला, उसको वो चैट एग्जैक्टली कहाँ से मिली, क्या वो फेक लड़का बन के अंदर गई थी ग्रुप में और उसने निकाला, मतलब उसको कैसे मिला, ये भी बहुत उसकी बात है। क्या पता वो खुद इन्वॉल्व हो और फिर जब किसी चीज़ से डिसएग्री कर रही हो तो उसने सब कुछ लीक कर दिया। मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, अब तो ये जाँच का विषय है कि अच्छे से जाँच हो कि कौन कहाँ कैसे कितना गिल्टी है और किसको किस बात की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने सिर्फ एक धारणा बना दी और लड़कों के लिए ये सब कर दिया, क्योंकि लड़कों को फंसाना बहुत आसान होता है। मैं यहाँ ना किसी का साथ दे रहा हूँ ना किसी के विरोध खड़ा हूँ, लेकिन अगर लड़कियों की कही हुई बात पे आंख बंद करके किसी के लिए धारणा बनाना, क्योंकि वो लड़के बहुत दिन से अब जलील हो रहे हैं, हर जगह बेइज्जत हो रहे हैं, 17-18 साल के हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं, उनकी फैमिलीज पे क्या बीत रही होगी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग किसी को ब्लाइंडली डिमीन ना करें, हमें बस बात करनी चाहिए कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। और आप लोग भी एग्री करेंगे अगर यहाँ तक देख रहे होंगे कि लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हमारा समाज है, जिस बात का ये लोग फ़ायदा भी उठाती हैं। अगर कोई लड़की देख रही हो तो मुझे बता दे। और कई लड़कियाँ ये भी मानती हैं कि ऐसा है, बिल्कुल है, वो नारीवाद करके गाना वायरल हुआ था हसल का, तो उसमें भी उसने हर वो बात कही थी कि लड़कियाँ लड़की होने का बहुत फ़ायदा उठाती हैं। तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही हुआ दिखता है। आपको इंस्टाग्राम के किसी भी वायरल स्क्रीनशॉट में, चैट में ये नहीं दिखेगा कि लड़के रेप करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं रेप कल्चर, या फिर ऑनलाइन किसी लड़की को थ्रेट कर रहे हैं या कह रहे हैं कि किसी को छेड़ देंगे, कुछ कुछ नहीं ऐसा। मैंने सारे स्क्रीनशॉट दोबारा पढ़े थे, लेकिन आप एक बार समझिए कि क्या ये किसी लड़की की प्लानिंग हो सकती है, वो जांच का विषय भी हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली बिना कुछ जाने किसी को इस तरीके से जलील करना ये भी ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ उसमें पहले सच बाहर आए, और अगर किसी को इस केस के बारे में कुछ भी जानकारी है
या गर्ल्स लॉकर रूम में बॉयज लॉकर रूम, कुछ भी जानकारी मुझे कमेंट में बताएं, मैं थोड़ा सा और डिटेल में रिसर्च करूंगा, उसके बाद फिर से वीडियो में आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।